अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। घटना के 5 दिन बाद देहरादून से बरामद हुई दुल्हन को परिजनों के हवाले कर दिया गया। सीकर ब्राइड किडनैप केस की अगर अपडेट की बात करें तो इससे पहले दुल्हन हंसा को पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। यहां शुरुआती पूछताछ में उसने अपनी मां के साथ बुआ के घर जाने की इच्छा जताते हुए उसके परिजनों को सौंप दिया गया। हालांकि पुलिस को दिए गए बयानों में दुल्हन हंसा ने अंकित पर उसे जबरन देहरादून ले जाने का आरोप लगाया। सोमवार को कोर्ट में उसके 164 के बयान होने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। गौरतलब है कि 16 अप्रैल को हंसा की शादी के बाद उसे दूल्हे के साथ विदा किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार रास्ते में अंकित और उसके साथियों ने मिलकर हंसा का अपहरण कर लिया था। न्यूज डेस्क।